हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं अभी आपको इस वीडियो में कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं, यानी जितनी बार रेलवे के एग्जाम हुआ है वो क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। और सारे क्वेश्चन के लिए हम एक आसान से ट्रिक भी देखेंगे जो सारे क्वेश्चन को आसान ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। एक निश्चित कोड में यूनिटी को FMRGB के रूप में लिखा गया है, उसी कोड में TRANQUIL ट्रैंक्विल को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों देखिए, यूनिटी को कैसे लिखा गया है, UNITY यूनिटी को कैसे लिख दिया गया है, FMRGB दोस्तों कुछ इस प्रकार से लिखा गया। अब आपको समझना है कि हम लोग यू को एफ कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, यू को हम लोग एफ कैसे लिख सकते हैं, तो अगर आपको अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर पता होगा तो जो यू है दोस्तों उसका अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यू का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों एन को एम कैसे लिख सकते हैं, एन को हम लोग एम कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो एन है इसको हम लोग एम कैसे लिख सकते हैं, तो एन का जो अपोजिट लेटर है दोस्तों क्या है, एम है। उसी प्रकार से दोस्तों आई का अपोजिट लेटर भी आप देखिए तो आर है, और टी का अपोजिट लेटर क्या है दोस्तों, जी। और जो बच गया वाई, उसका भी अपोजिट लेटर क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई का अपोजिट लेटर क्या हो गया, बी हो गया। अब आपको सेम यहाँ पे भी उस सबका अपोजिट लिख देना है। तो देखिए, इन सब का अपोजिट कैसे भी इसको लिखते हैं, चलिए सबसे पहले इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। देखिए, अब आपको किसका अपोजिट लिखना है दोस्तों, ट्रैंक्विल का। तो टी, चलिए सबसे पहले ट्रैंक्विल, टी आर ए एन क्यू यू आई एल ट्रैंक्विल हो गया। टी का अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सबको पता होगा टी का अपोजिट क्या होगा, जी। उसके बाद दोस्तों देखिए, जैसे आप पहला लेटर जी लिखें तो आपको ऑप्शन सी और ऑप्शन बी कट गया। अब आपको देखना कौन सा ऑप्शन है, ए और डी। और देखना है कि देखिए ए और डी में भी देखिए, अगर ए का सेकेंड लेटर देखेगा तो आई है और डी का सेकेंड लेटर देखेगा तो एम है। जैसे ही हम लोग सेकेंड लेटर पता करेंगे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों, आर का अपोजिट लेटर क्या हो जाता है, आई हो जाता है। दोस्तों, आर का अपोजिट लेटर आई हो गया। अब आपको आगे जितना भी लेटर है इसका पता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेक कीजिएगा तो देखिए ऑप्शन में सेकंड लेटर क्या है, जी आई, और डी में क्या है, जी एम। तो डी भी गलत हो गया, अगर तीन ऑप्शन गलत तो ऑप्शन ए आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो काफ़ी जल्दी और कम समय में हम लोग क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि रेलवे कोड किया गया है 24/7/15/18/29/7/31, तो स्टेशन को कैसे कोड किया जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, रेलवे को कोड किया गया है दोस्तों 24/7/15/18/29/7/31। देखिए, रेलवे में दोस्तों अगर आप देखिएगा तो आर का नंबर कितना होता है 18, जबकि आर को लिखा कितना गया है दोस्तों वहाँ पे, तो आर को लिखा गया है 24, यानी 18 में हम लोग कितना जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, प्लस 6 जोड़ देंगे, यानी आर को प्लस 6 बढ़ा के लिखा गया। ए को चेक करेंगे दोस्तों तो देखिए ए का नंबर होता है 1, उसमें भी कितना जोड़ दिया गया है, प्लस 6, और जैसे ही प्लस 6 जोड़ा है तो उसका नंबर कितना बन गया दोस्तों, 7 बन गया। यानी जितना भी लेटर है उसका नंबर में क्या जोड़ देना है, प्लस 6, यानी 6 6 करके जोड़ते जाना है। उसी तरह से हम लोग को भी क्या करना है, जो पूछा है उसमें क्या जोड़ते जाएंगे, 6 6 जोड़ते जाएंगे। देखिए 6 6 जोड़ देते हैं, स्टेशन STATION स्टेशन दोस्तों, तो एस का नंबर कितना होता है दोस्तों, 19 होता है। 19 में अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। टी का नंबर कितना होता है दोस्तों, तो टी का नंबर होता है 20, और उसमें अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। ए का नंबर कितना होता है दोस्तों, तो ए का नंबर होता है 1, 1 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए ऑप्शन 25 26 7 से कौन सा ऑप्शन शुरू होता है, ए वाला कट गया, बी वाला भी कट गया, सी वाला 25 26 8 है, जबकि यहाँ पर तो हमारा 7 है, ये भी कट गया, आपका ऑप्शन बी सही हो चुका है। कितना आसानी से हम लोग बिना सॉल्व किए दो क्वेश्चन को कर दिए, और दोनों क्वेश्चन रेलवे NTPC एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शब्द एडुकेशनल के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं। आपको बताना है कि ऑप्शन में दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं। सबसे पहला शब्द दोस्तों देखिए नेशनल है, तो चेक कीजिए क्या नेशनल बन जाएगा एडुकेशनल से। तो नेशनल बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है, एन, सबसे पहले क्या जरूरत है दोस्तों, एन जरूरत है, तो एन यहाँ पे है, ए जरूरत है, ए यहाँ पे है, टी जरूरत है, टी यहाँ पे है, आई जरूरत है, आई भी यहाँ पे है, ओ भी दोस्तों हम लोग को मिल गया,
लेकिन देखिए जब नेशनल में हम लोग चेक करेंगे, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नेशनल में कितना एन है, एक एन यहाँ है, एक एन यहाँ है, यानी दो एन है नेशनल में। जबकि एडुकेशनल में ध्यान से देखिएगा तो कितना एन है दोस्तों एडुकेशनल में, तो एडुकेशनल में केवल एक एन है। एडुकेशनल में कितना एन है दोस्तों, एक एन है, जबकि नेशनल में दो एन है, तो नेशनल ही है जो नहीं बनेगा। और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि जेब्रा को 25, 5, 26, 5, 2, 1, 8, 1 लिखते हैं तो कोबरा को क्या लिखा जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देखिए, जेड ई बी आर ए, जेब्रा। जेड का नंबर दोस्तों 26, ई का नंबर 5, बी का नंबर 2, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1। बस आपका यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर बस जो अल्फ़ाबेट दिया गया है उसका नंबर नीचे लिखा गया। अब आपको पता किसका करना है दोस्तों, पता करना है हमको कोबरा का। तो चलिए कोबरा का पता कर लेते हैं, सी ओ बी आर ए, कोबरा। दोस्तों सी का नंबर कितना हो जाएगा 3, ओ का नंबर हो जाएगा 15, बी का नंबर 2, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, 3, 1, 5, 2, 1, 8, 1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। चाहते तो बिना सॉल्व किए ही कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन बाकी आप देख लीजिए, यहाँ 3, 1, 8 है, यहाँ 3, 0, 2 है, यहाँ 1, 1, 8 है। तो आप इतना तक भी सॉल्व करके पहला 3 लेटर, पहला 2 लेटर भी निकाल के कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,